जरूरी नहीं है कि अगर आप सही हैं तो आपको सिर्फ चीख कर लड़कर ही बताना है। आई थिंक अंकित इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल। मुझे लगता है कि जैसे सपोज निमृत कर रही है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक ही तैयारी करके जा रहा हूँ कि मैं कोई तैयारी ना करके, यही मेरी तैयारी है। और देखिए मोमेंट्स हैं अलग अलग, अलग अलग प्लेयर की अलग अलग गेम है, जो कभी किसी की अच्छी लगती है कभी किसी की। बट जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो खेल रहे हैं एक्चुअली जो प्लेयर्स हैं वो शिव, अर्चना और साजिद जी, यही है। बाकी सब अभी भी अपने गेम को समझ रहे हैं और खेल रहे हैं और ठीक है कर रहे हैं। आई थिंक अंकित इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा होने के लिए बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद ही का ग्रुप, तो मैं खुद ही एक ग्रुप हूँ। और मुझे लगता है कि हर किसी के अपने नए रिश्ते बनते हैं जब हम मिलते हैं, और उसको आप प्री कंसीव करके नहीं जाएं तो बेहतर रहता है। कि क्योंकि कोई किसी के साथ अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है मेरे साथ भी हो, या किसी के साथ बुरा है तो हो सकता है मेरे साथ अच्छा हो। तो इसीलिए आई वॉन्ट टू बी ओपन टू मीटिंग एंड कनेक्टिंग विद हिम। अब इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कि हाँ, मुझे थोड़ा सा मेंटल स्टेट और पैटर्न समझ आने लगा है लोगों का, कि आप एटलीस्ट वो फियर नहीं है कि अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीरियसली। मुझे इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे सपोज निमृत कर रही है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट वो पीठ पीछे नहीं कर रही है। अगर वो सच बोल रही है कि वो चीटिंग कर रही है, वो अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रही है, तो वो फेस पे कर रही है, ठोक के कर रही है, हाँ मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ये तो बड़ी सही बात है यार। और मतलब बोलो ना झूठ तो ऐसे ही बोलो ना, कि या गलत करो तो मुंह पे करो ना, ताकि दूसरे को पता हो। जो लोग पीछे करके कुछ और आगे कुछ होते हैं उनसे संभलना पड़ता है। तो और ये नेचुरल सी बात है कि मतलब अगर कोई मेरा दोस्त है और कोई मेरा नहीं है, तो मुझे किसी को सपोर्ट करना हो तो मैं सबसे पहले दोस्त को करूँगा, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा गलत हो और दूसरा कोई सही हो। मैं यार एज अ ह्यूमन बींग नो आई लाइक टू बी ऑनेस्ट। मैं जो हूँ फेस पर हूँ, अच्छा बुरा हूँ, हंसी मजाक है, गुस्सा है, या कुछ भी है, नोकझोंक है, वो सब फेस पे है। मतलब पीछे कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए। तो और मुझे लगता है कि यही चीज़, यही सीक्रेट है बिग बॉस को जीतने का। अब ये सीक्रेट कितना काम करता है ये तो वहाँ जाके पता लगे, बट कोई प्लानिंग नहीं है। ये है कि हाँ, मैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहता हूँ बिग बॉस में रहने का और बिग बॉस को जीतने का। मेरी लड़ाई रोटी को लेकर इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि मेरी डाइट में बहुत ही कम रोटी होती है, होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट चावल ही खा रहा होता हूँ मैं ज़्यादातर करके। तो मैं उस लड़ाई में तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मुझे परेशानी हो। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले कहा था, कि मैं अपने माइंड को लोगों का देख कर क्लोज नहीं करना चाहता हूँ जजमेंटल होकर, कि यार ये बहुत सही है और ये गलत है, ये रियल है ये फेक है। क्योंकि मेरा किसके साथ जाके कैसा कनेक्ट होता है वो डिसाइड करेगा कि मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। और वही है गेम, वही है रहना, वही ज़िंदगी है। मतलब आज आपका सबसे अच्छा कुलीग कल आपका नॉट सो अच्छा कुलीग भी बन सकता है। और तो यही है ज़िंदगी। मुझे लगता है वो वहाँ पर जाकर ही एक्सपीरियंस करना होगा, तभी मैं ऑनेस्टी से कर पाऊँगा। अगर मैं उसको प्री मेडिटेट करके करूँ कि या प्लानिंग करूँ या स्ट्रेटजाइज करूँ कि वैसा करूँगा, तो मुझे लगता है मुँह के बल गिरूँगा और फिर मैं ऑनेस्ट नहीं हो पाऊँगा। सो वो रीज़न ही नहीं है कि मैं बिग बॉस पर जा रहा हूँ। मैं अदरवाइज जो भी मुझे लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ही मजाकिया फन लगी भी हूँ, आई लाइक टू डू थिंग्स विद एनर्जी। तो वो मुझे लग रहा है आजकल ना, क्योंकि इतने टाइम से लोग बंद हुए, ऐसे थोड़ा सा डल से साइड से हो गए, मुझे लगता है थोड़ा हिला के थोड़ी एनर्जी लाई जाए ज़िंदगी में, वो करने वाला हूँ। सेकेंडली मुझे एक और चीज़ लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सही हैं तो आपको सिर्फ चीख कर लड़कर ही बताना है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप सिर्फ अगर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए चीख रहे हैं, लाउड हो रहे हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी के साथ कोई मनमुटाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले इज्जत प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की। नहीं आए तो फिर तो गुस्सा कर सकते हैं ना, उससे सिर्फ शुरुआत और एंड दोनों गुस्से से ही हो तो कुछ फायदा नहीं। जैसे कि विकास, बिग बॉस के घर में जोड़ियां भी काफी बनती हैं, तो घर में भी कई हसीनाएं अभी मौजूद है, तो आप अंदर जाके कुछ ऐसा ट्विस्ट करने वाले हैं या नहीं? कौन सी हसीनाएं हैं अंदर आप बताइए तो। वो तो आपको भी पता है कौन सी हसीनाएं। देखिए आप घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, बताइए तो कौन कौन सी हसीनाएं हैं अंदर जिनके लिए आपको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा किस हसीना के लिए आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। देखिए मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पीली मैरिड, और मैरिज में ना बहुत कुछ होता है,
कंप्लीटली हैप्पीली मैरिड कभी कोई नहीं होता है, बट वो उतार चढ़ाव, वो हंसी, वो खुशी, वो दुख, वो प्यार, वो जो पार्ट ऑफ मैरिज है ना, वो मैं उसमें कमिटेड हूँ, तो मैं उसमें बिल्कुल भी अलग जाने के लिए कोई मेरी कोई नियत और इंटेंशन नहीं है. बट आई एम वेरी ओपन टू मीटिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल. मुझे लगता है कि जो दोस्ती होती है ना और वो रिश्ते जो होते हैं ना, अगर वो सच्चे बन जाए ना तो वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, नहीं तो फिर सब आजकल कुछ और कल कुछ ऐसा होता है. तो बेहतर है और माइंड से भी है कि दोस्ती बनाई जाए, कनेक्ट किया जाए. मुझे पता है सबसे तो नहीं बनेगी, और जिनसे बनेगी उनसे फिर मजा आएगा. आप सबको सबसे ज्यादा मुझे ये कहना है कि प्लीज 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 वोट फॉर मी एंड शावर योर लव, शावर योर सपोर्ट ऑन मी. जितना सारा प्यार आप इतने सालों से देते आए हैं, प्लीज उसको बरकरार रखिए, उससे 10 गुना ज्यादा दीजिए. क्योंकि आई वॉन्ट टू, एज अ पर्सन आई वॉन्ट टू क्रिएट द हिस्ट्री टू विन बिग बॉस, टू गो देयर एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंड विन बिग बॉस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड वो आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं होगा, आपके प्यार के बिना. प्लीज 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 आप सभी को है कि प्लीज वो कीजिए. आई जस्ट वॉन्ट टू बी एक्सपीरियंसिंग दिस, और मैं बहुत सच्चाई से मजे से जाकर रहना चाहता हूँ. आई होप कि आप सबको बहुत मजा आया देखकर. प्लीज वोट फॉर.